Hey guys, welcome back to my YouTube channel Curly Confidence. I'm Dipali और मैं आज आपके लिए एक अगेन रीयूज वीडियो लेके आई हूँ। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने कुछ पुराने दुपट्टे, नॉट एग्जैक्टली पुराने दुपट्टे, मैं एक्चुअली जब सूट्स लेती हूँ तो मैं उसके दुपट्टे यूज़ नहीं करती, सिर्फ सूट्स ही बनवा लेती हूँ और मैं जनरली दुपट्टे नहीं ओढ़ती तो दुपट्टे मेरे बच जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि मैंने अपने दुपट्टों से शर्ट्स कैसे बनवाई है, एंड अगेन आज मैं वही वाला कंसेप्ट लेके आई हूँ आपके लिए। मैं अपने दुपट्टों से स्कर्ट कैसे बनवाने वाली हूँ मैं वो आपको बताऊंगी, एंड ये स्कर्ट मुझे एक इवेंट में पहनना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से दुपट्टे हैं। ये देखिए, ये मेरा एक बाघ का दुपट्टा है, ये इसका फैब्रिक कॉटन ही है, ये बहुत एक्चुअली जनरली बहुत ज्यादा पतला ही है। तो एक मेरे पास ये वाला दुपट्टा है, एंड ये मेरा एक बहुत ज्यादा फेवरेट पुराना दुपट्टा है, ये भी कॉटन है और इस पे ऐसा कच वर्क का बॉर्डर है इस टाइप का। एंड ये अगेन मेरा एक बाघ का दुपट्टा है, मैंने इस दुपट्टे में थोड़ी एम्ब्रॉयडरी भी करवाई हुई है। तो ये वाली जो बॉर्डर है ये मैं संभाल के रख लूंगी दुपट्टे में से निकाल के, ताकि मैं उसको बाद में यूज करूँ किसी चीज में। एंड ये मेरा एक थोड़ा सा स्टोल टाइप का दुपट्टा है, एकदम प्लेन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये पांचों दुपट्टों को मिला के एक स्कर्ट बनवाती हूँ, एंड वो स्कर्ट मैं एक इवेंट में पहनने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मेरे पास जितने भी दुपट्टे हैं मैंने उनका बॉर्डर एकदम अलग कर लिया, क्योंकि मैं बॉर्डर बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने सारे दुपट्टों में से ये कलियाँ इस तरीके से निकाल ली हैं। हर दुपट्टे में से 6 कली निकली है, क्योंकि ये स्कर्ट 30 इंचेस वेस्ट की बनी है, तो जो ऊपर से हमने कली की चौड़ाई रखी है दैट इज़ 1 इंच। अब हम सारी कलियों को जोड़ लेंगे। मैंने इसमें ऐसा किया कि अगर मेरे पास 5 डिफरेंट कलर्स है तो मैंने अल्टरनेट कलीज ज्वाइन नहीं करके, जो एक कलर है मैंने उसकी कली पूरी एक साथ ज्वाइन की है, फिर मैंने दूसरे कलर की ज्वाइन किया है। मुझे इस तरीके से डिज़ाइन चाहिए था तो मैंने उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया, नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्कर्ट में आपको अल्टरनेट कली मिलती है, एक अलग कलर की फिर एक अलग कलर की। सो 6 कलीज को एक साथ ज्वाइन करके वो कली कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी हमको सारे कपड़ों की कली ज्वाइन करनी है, और फिर मैं उस सबको साथ में स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। इस स्कर्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने एक टाइप का गोटा यूज़ किया है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। इस टाइप का बहुत डार्क गोल्डन कलर का गोटा मैंने स्कर्ट में नीचे यूज़ करवाया है, और इसकी 2 लाइंस लगवाई हैं मैंने। ये गोटा बहुत ही कॉमन है और आपको बहुत चीप रेट्स में मार्केट में मिल जाता है, क्योंकि मेरी स्कर्ट जो है कॉटन की है, थोड़ी डल है, इसलिए मैंने इतना ब्राइट कलर लगवाया था कि थोड़ा इन्हांस हो जाए वो। Hey guys, so finally स्कर्ट मेरा बन गया था, स्कर्ट मैंने अपने इवेंट में पहन लिया और मैंने उसका लुक भी आपको दिखा दिया कि आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप लोगों को उसका लुक बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग भी ऐसा कुछ ट्राई करेंगे अपने पुराने दुपट्टों के साथ, या वट एवर आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं उनको मिला के आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। एंड मेरी वीडियो अच्छे ही लग रहे होंगे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा फैशन से रिलेटेड स्टाइलिंग टिप्स के लिए। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो। एंड यस, बाय।